हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। जैसे हम अपनी बात कम भाषा में कहते हैं तो इससे हमारी बात बहुत ही सरल और संक्षिप्त हो जाती है। तो बच्चों, आज हम आपको उन्हीं शब्द समूहों के लिए एक शब्द बताएंगे कि हम शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं या क्या होते हैं। जैसे जो विद्या ग्रहण करता हो, बच्चों जो विद्या ग्रहण करता हो उसको हम विद्यार्थी भी बोलते हैं। क्यों? इतना लंबा वाक्य कहेंगे कि वह विद्या ग्रहण करता है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि वह विद्यार्थी है। इसी तरह जिसका मूल्य बहुत हो, वो चीज़ क्या होती है? बहुमूल्य। हम अगर इतना लंबा शब्द बोलेंगे या वाक्य बोलेंगे कि इस चीज का मूल्य बहुत है, तो उसके लिए हम कम शब्दों में कह सकते हैं बहुमूल्य। इसी तरह जो पढ़ा ना जा सके, वो क्या होता? अपठनीय। जो पढ़ने योग्य ना हो या पढ़ा ना जा सके, उसे हम अपठनीय बोलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसको हम आस्तिक बोलते हैं। और जिसका आकार ना हो, उसे हम निराकार बोलते हैं। तो बच्चों, हम अपने शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग इस तरह से करते हैं कि हम अपनी बात कम शब्दों में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं।